आप सभी लोगों को नमस्कार, मेरा नाम है दीपक नेगी और आपका स्वागत है आज के व्लॉग में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं अभी हूँ उत्तराखंड में और आज मैं आया हूँ कोटद्वार में। हाँ, कोटद्वार में एक बहुत ही फेमस मंदिर है, सिद्ध बलि मंदिर, जो कि हनुमान जी के लिए स्थापित किया गया है, उनके नाम से रखा हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और जिनकी भी मन्नतें पूरी होती है वो लोग यहाँ भंडारा कराते हैं। और मंदिर की पार्किंग के पास आपको धर्मशाला की सुविधा भी मिल जाती है, अगर कभी आप लेट हो जाते हैं रात को तो आप यहां पर ठहर सकते हैं। और यहां पार्किंग की सुविधा है जिसका किराया है आपका 2 घंटे का 20 रुपये। उसके बाद सामने ही आपका मंदिर के लिए प्रसाद मिल जाता है और मंदिर के गेट के सामने ये बहुत सारे दुकानें हैं जहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं और अपने जूते चप्पल यहाँ पर उतार सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे निःशुल्क सेवा भी मिल जाती है जूते चप्पलों की, वो आपको उतार कर मंदिर के दर्शन करने के लिए जाना होता है। इस तरह हम यहाँ पर अभी प्रसाद खरीद रहे हैं इस दुकान से और अपने जूते चप्पल जो हैं की हैं हमने यहाँ पर उतार दिए हैं। ज्ञान गुण सागर जय कपिल सतीहु लोक उजागर राम दूत अतुलत बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी तुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथी वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे अंकर सुवन केसरी नन। जो आप सिद्धबली है, ये आपका ऋषिकेश से चले थे हम सिद्धबली, तो 6:30 बजे चले थे, तो 6:30 बजे से यहाँ पहुँचने में हमें तकरीबन 2 घंटे लग गए। तो 8:30 बजे हम यहाँ पहुँच गए और फिर हमने पार्किंग पे गाड़ी लगाई, जिसका जो शुल्क है, चार्जेज है पार्किंग का 20 रुपये है। और इसके अलावा अगर आप कहीं से भी आते हैं, दिल्ली से चाहे कहीं से भी, और अगर जैसे कि कोटद्वार में आते हैं तो कोटद्वार से 3 से 4 किलोमीटर के मतलब लगभग पड़ जाएगा आपको। और कोटद्वार आके आप जैसे रेलवे स्टेशन से या बस अड्डे से निकल के ई रिक्शा वगैरह कुछ भी ले सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर आ सकते हैं। तो देखिए श्रद्धालुओं की भीड़, आज है संडे और बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। यहाँ मम्मी जी जा रही हैं। तो प्रसाद है, मम्मी क्या लिया आपने यहाँ? भेली। तो यहाँ प्रसाद में गुड़ की भेली यहाँ पर चढ़ाई जाती है। ये आपका मंदिर वो रहा सिद्ध बलि बाबा, सिद्ध बलि। जो हमने नारियल और भेली ली थी गुड़ की, तो यहाँ पर सारे लोग अपने भेली वगैरह और नारियल वगैरह फोड़ रहे हैं। तो हम भी भाई यहाँ पर खड़े हैं अपने नारियल वगैरह खाने के लिए। ये देखिए यहाँ पर गुड़ की भेली तोड़ी जाती है नारियल। तो चले भाई, हम भी अपनी गुड़ की भेली और नारियल तोड़ते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा पानी की वजह से देख सकते हो आप, गीला गीला हो रहा था, फिसलने का भी डर है। यहाँ पे लिखा हुआ है नारियल और भेली को तोड़ कर ये, इसके बाद यहाँ तक जाएंगे हम। फिलहाल हमने भेली तोड़ लिया अपनी।
जय श्री राम। तो दोस्तों आप लोग भी सामने देख सकते हैं बाबा सिद्ध बलि हनुमान जी, आप लोग दर्शन कर सकते हैं इनके। और जो हमने प्रसाद नीचे लिया था और उसको ऊपर तोड़ा था, जो गुड़ की भेली थी और जो नारियल था, उसको हम यहाँ चढ़ाएंगे और आधा प्रसाद हमें वापस मिलेगा। तो भाई बुला रहे हैं मुझे, तो मैं आगे जाता हूँ और ये लो आप दर्शन कर सकते हैं बाबा जी का। दोस्तों मैंने यहाँ पर दर्शन कर लिए हैं, एक बार फिर से आप लोगों को दर्शन करा रहा हूँ। और यहाँ मम्मी जी ने प्रसाद दे दिया था पंडित जी को। इसके बाद ये देखिए आप, यहाँ पर हनुमान जी की आरती वगैरह लिखी हुई है। तो कितनी सुंदर कलाकृति कर रखे हैं यहाँ पर, छत देखिए कितनी खूबसूरत छत है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए भक्तजन खड़े हैं। और यहाँ सर आगे जाएंगे हम और परिक्रमा करेंगे इनकी। जो लोग मन्नत मांगते हैं अपनी, तो वो लोग यहाँ पर अपनी चुन्नियाँ बांधते हैं और मन्नत पूरी होने पर भंडारा करवाते हैं, अगर उनकी श्रद्धा होती है तो। और आप नीचे देख सकते हैं, यह है खो नदी, जिसके नाम से ही कोटद्वार का नाम पड़ा है। और खो नदी के किनारे तट पर बसा हुआ है ये कोटद्वार शहर। और इस नदी के ऊपर है अपना ये सिद्ध बलि बाबा जी का मंदिर। कलयुग में शिव जी का अवतार माने जाने वाले गुरु गोरखनाथ जी को इस स्थान पर सिद्धि प्राप्त हुई थी, जिसके कारण उनको सिद्ध बाबा भी कहा जाता था। और गोरख पुराण के अनुसार जो गुरु गोरखनाथ जी के गुरु थे, उनका नाम था मच्छेंद्रनाथ, जो कि हनुमान जी की आज्ञा से त्रिया राज्य की रानी थी मेनाकनी, उनके साथ उन्होंने शादी कर ली और अपना गृहस्थ जीवन का सुख भोग रहे थे। तो इस बात का जो पता है, ये गुरु गोरखनाथ को पता चला, तो उन्होंने अपने गुरु को इन सभी बंधनों से मुक्त करने के लिए उन्होंने सोचा कि चलते हैं। तो वो जब इस स्थान पर पहुँचे तो हनुमान जी ने अपना रूप बदल कर उनके साथ युद्ध स्टार्ट कर दिया। तो क्या हुआ, दोनों के बीच में काफ़ी देर तक युद्ध चला, जिसके बाद हनुमान जी प्रसन्न होके उनको आशीर्वाद देते हैं। तो उस पर आशीर्वाद के रूप में जो गुरु गोरखनाथ जी हैं, वो बोलते हैं हनुमान जी को कि आप यहाँ पर रुकें और यहाँ पर जो भी लोग आए उनकी मनोकामना आप पूरी करेंगे। और इसके बाद कहा जाता है कि हनुमान जी 24 घंटे पहरी के रूप में अपनी सभी भक्तों की रक्षा करते हैं यहाँ पर आकर। और इसके अलावा एक कहानी और है, जिसमें कहा जाता है कि जब हनुमान जी रामायण के समय में संजीवनी बूटी लेने गए थे, तो वो इस स्थान पर रुके थे थोड़ी देर के लिए। सामने आपके हनुमान चालीसा है, और जिसको भी हनुमान चालीसा हनुमान जी के सामने सुनानी हो, पढ़नी हो, वो यहाँ पर खड़े होके थोड़ी देर हनुमान चालीसा पढ़ सकता है या बैठ के पढ़ सकता है। ये सामने मंदिर जो आप देख रहे हैं, ये भोलेनाथ का मंदिर है, यहाँ के भी आपको दर्शन कराऊंगा। और यहाँ पर देख सकते हैं हरे भरे पहाड़ और ये खो नदी बहती हुई, कुछ लोग यहाँ पर नहा भी रहे हैं, आप देख सकते हैं हल्का फुल्का दिख रहा है। तो चलो चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको दर्शन कराता हूँ श्री गोरखनाथ जी के और भोलेनाथ जी के। शनिदेव जी महाराज का मंदिर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जहाँ जहाँ हनुमान जी का मंदिर होता है, वहाँ वहाँ शनिदेव जी का भी मंदिर होता है। और हनुमान जी के दर्शन के बाद शनिदेव जी के दर्शन भी करने होते हैं, क्योंकि शनिदेव जी ने वरदान दिया था हनुमान जी को कि आपके जो भी भक्तजन हैं, मैं उनको गुरु दृष्टि नहीं डालूंगा और वो लोग मेरे दर्शन भी कर सकते हैं और मुझे तेल वगैरह अर्पण करेंगे। तो इस तरह से हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हमने शनिदेव जी के भी दर्शन कर लिए हैं और अब जा रहे हैं हम आगे भंडारे के लिए। यहाँ से आप
तो मैं कह रहा था आपको रोज़ भंडारा चलता है, वो यहाँ पर देख सकते हो कितनी बड़ी लाइन है भंडारा खाने वालों की। ये लाइन यहाँ से जा रही है यहाँ तक। तो भाई भंडारा खाएंगे हम लोग, हाँ खाना है मम्मी, ठीक है। तो भाई अब हम जा रहे हैं भंडारा खाने के लिए, तो चलो चलते हैं। पापा से पूछो क्या है, पापा तो फ़ोन में बिजी हैं। तो यहाँ से जा रहे हैं भंडारा खाने के लिए। अभी भंडारा प्रसाद पता भोग के समय से 3 बजे तक वितरण करना, ये वैसे भी चल सकती है। पूरी मिली है, हलवा मिला है, सब्जी मिली है और कद्दू की सब्जी भी है। आलू कद्दू तो भैया आप अपने भंडारे का लुत्फ उठाते हैं, अब हम खाते हैं खाना कैसा होता है देखते हैं भंडारा। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, बस ये अंकल जी चले जाएंगे यहाँ पे मेरी जगह हो जाएगी फिर। भाई भंडारा हमने खा लिया और बहुत ही अच्छा हो रहा था, टेस्टी हो रहा था। और आप देख सकते हो हर जगह पे भंडारा हो रहा है, कहीं पे कड़ी चावल मिल रहा है, कहीं पे आपको आलू की सब्जी, पेठे की सब्जी। उसके बाद आप जैसे जैसे नीचे आओगे, नीचे आने के बाद अपना ये गुफा बना रखी है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम जाने का। ये देख छोटी सी गुफा बना रखी है आपकी माता रानी, पापा जी भी जा रहे हैं यहाँ से जाना। यहाँ पे खड़े हुए भाई, यहाँ से हो रहे हैं हम एग्जिट, यहाँ से एग्जिट होते हुए इधर से। हाँ हो भाई यहाँ से गए थे और यहाँ से हम आ गए। यहाँ दो तरह की पार्किंग है, एक पार्किंग है जिसमें 20 रुपये आपके 2 घंटे के लगते हैं, और एक ये वाली पार्किंग है इसमें 30 रुपये लगते हैं आपके। पहली पार्किंग है उसको छोड़ के दूसरी पार्किंग है, 30 रुपये लगते हैं और शायद अनलिमिटेड टाइम है यहाँ। और इसके सामने ही आपका एक मंदिर और है, नवदुर्गा मंदिर है, माता का मंदिर है ये, और बहुत ही खूबसूरत मंदिर लग रहा है। लोग भी बैठे हुए हैं देख सकते हो आप। तो यहाँ सिद्ध बली आने के बाद आप माता के मंदिर में भी घूम सकते हैं, शिव जी के मंदिर में भी घूम सकते हैं, और शनि देव का मंदिर भी है। तो आपके 3-4 देवताओं का मंदिर आपको यहाँ पे सिद्धपीठ सिद्ध बली मंदिर में आपको मिल जाएगा। और आपने मेरे साथ सिद्ध बली के दर्शन कर लिए होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह मैं आपको मिलता हूँ अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय।